नमस्ते। आज हम चलिए बनाते हैं तंदूरी आलू। तो कुछ तंदूरी आलू इस तरीके से बनेगा। तो मैंने चार आलू ये छील लिया है, अच्छे से धो लिया है, और ज़्यादा भी छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको बाद में फिर हम इसके ऊपर का कवर फिर से उतारेंगे। तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है और इसको बीच में से ऐसे कट करना है। इस तरीके का हो या आपके पास जो आइसक्रीम वाला होता है वो से आप ऐसे गोल गोल करके, अब बीच में से थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो आपका ये आलू टूट जाएगा क्योंकि इसमें स्टफिंग करना है। तो इसी तरीके से करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही सारे आलू साफ़ कर लेंगे। देखिए मैंने आलू को इस तरीके से छेद हो गया, इसके अंदर जो सफाई हमने इस अंदर का जितना भी निकाला था वो निकल गया है। और ऐसे ही करना है आपको। और उसके बाद जब आपको कम ज़्यादा जहाँ से भी लगे वहाँ से ऊपर से इसको काट के निकाल दीजिए। और ये देखिए मुझे का ये निकल गया है। आप चाहे तो इसकी भी स्टफिंग कर सकते हैं स्लो फ्राई करके निकाल के, और इसी में प्याज वगैरह डाल के कर सकते हैं। तो और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, इसको साइड करते हैं। अब बनाएंगे हम इसकी तंदूरी मसाला। मसाले के लिए मैंने एक छोटी कटोरी पहले से ही इसे छन्नी में छान के रख दिया था दही को। ये देखिए कुछ हद तक ये थिक हो गया है। मैं डालेंगे एक स्पून हींग, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, ये मेरा घर का बनाया हुआ है, और एक चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। हल्दी आधे चम्मच से भी कम डालेंगे हम, क्योंकि हमने दो बार, एक बार हल्दी डाल लिया है और एक थोड़ा सा और हल्दी डालेंगे। और बहुत तेज़ गर्म है ये, थोड़ा सा डाल के इसको मिला के बस इस पे डाल देंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये तंदूरी मसाला हमारा बनके तैयार हो गया। आप चाहे तो जितना भी आपको बनाना है अनुसार रख दीजिए इसको। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, और मैंने इसमें बेसन भी दो भुना हुआ बेसन लिया है 2 चम्मच, और इसके बाद मैंने इसको मिलाया है। मेरे से वो वीडियो में स्किप हो गई है, तंदूरी मोमोज बनाया है उसमें प्रॉपर वीडियो है, आप देख के बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें खाली बस बेसन स्किप हो गया है, आप डाल लीजिए भुना हुआ बेसन 2 चम्मच। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। हम मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख के गर्म कर लिया है, और मेरा ये तेल भी गर्म हो गया है मीडियम। तो अब इसमें हम जो आलू का होल बना के रखा था वो मैं एक एक करके छोड़ दूंगी इसमें। ये देखिए फुलाई सेकना है आपको, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, ज़्यादा भी स्लो नहीं और ज़्यादा तेज भी नहीं रखना है आपको, नहीं तो जल जाएगा और पकेगा नहीं ये। तो हम ऐसे इसको सेकेंगे पहले। तो देखिए ये हमारा भून गया है, और हम एक किसी भी चीज़ से, आपके पास ऐसी नुकीली चीज़ें उससे चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए सीख गया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया अंदर बाहर दोनों तरफ। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हाथ में लेके और इसकी स्टफिंग कर सके। तो फिर तब तक स्टफिंग हम तैयार करते हैं। देखिए मेरे ये 250 ग्राम ग्रेट करके मैंने ये पनीर ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम हल्की सी हल्दी, हल्का सा धनिया, हल्का सा मिर्च, हल्का सा काली मिर्च और हल्का सा नमक। 2 से 3 कटी हुई बारीक मिर्ची ले लिया है, अदरक और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ है ये भी, और थोड़े से मैंने ये ड्राई फ्रूट, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये थोड़े से किशमिश लिए हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें धनिया। इसको हाथों की मदद से इसको प्रॉपर मिला लेंगे। डाल लिया है मैंने, अब इसकी स्टफिंग करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा तंदूरी आलू स्टफिंग को। अब हम क्या करेंगे, देखिए ठंडा हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके भर लेंगे इसमें। आप ड्राई फ्रूट कोई सा भी उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। कम ज़्यादा नहीं खाना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम उंगली की मदद से सारा भर लेंगे, और अगर आपको इसमें प्याज डालना है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद पानी छोड़ने का ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए आप ऐसे तैयार करके रख के और कभी भी आप बना के खा सकते हैं।
जैसे सुबह बना लिया शाम को खाना है तो ऐसे करके रख सकते हैं, मगर नमक पड़ने के बाद प्याज पानी छोड़ देता है तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला इसमें। तुरंत खाना है तो आप डाल सकते हैं। ऐसे में सारे स्टफिंग कर लूँगी। मैंने इसको सारों को आलू में भर दिया स्टफिंग को। अब मैं इसको अच्छे से इसकी कोटिंग करूँगी की मदद से, मैं इसको प्रॉपर लगा लूँगी इस पर। मैं ऐसे प्रॉपर लगा के मैं एक करके लगाती रहूँगी और उसको सेकने के लिए रख दूँगी। तो मेरा आलू स्टफिंग है वो मैंने बना के साइड में रख दिया है, और ये कच्चे हैं प्याज और ये शिमला मिर्च, तो इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे क्योंकि आलू तो हमारा पका हुआ है। और देखिए उसमें जो ग्रेवी बची थी उसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च को कोटिंग करके मैं सेक रही हूँ, क्योंकि आलू हमारा पका हुआ है तब उसको हम गैस से सेकेंगे, ऐसा ये सिक जाए। तो देखिए ये कोटिंग हो गई है और थोड़ा सा सिक गया है, मुलायम हो गया है। अब इसको गैस को करेंगे बंद। तो देखिए गैस को मीडियम रख लेंगे और इसको हल्के हल्के से सेक लेंगे। ऐसे सेक लिया है, आप घुमा घुमा के सेक लीजिए। मैंने दो ये सेक लिया है, अब इसको मैं निकाल दूंगी और ऐसे ही दो और बचे हैं वो भी उसको भी बना लूंगी मैं। मैंने इसे वेज म्योनी के साथ सर्व किया है। तो देखिए हमारा ये तंदूरी आलू बनके तैयार हो गया और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। आप एक बार घर पे बनाइए। अगर आपसे गैस पे ना सिकता हो तो मेरा तंदूरी मोमोज़ का भी वीडियो पड़ा है, आज वैसे कोयले से कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लीजिए। तो देखिए झटपट बनके तैयार हो गया, एक बार घर पर बनाइए और खाइए और बताइए आपका कैसा बना था ये। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।